हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। Jai Lakshmi Mata।
कौन हो तुम बालिके? मैं राजा रत्नाकर और रानी विजया की पुत्री हूँ। मेरा नाम वैष्णो है। वैष्णो? राजा रत्नाकर की पुत्री? परंतु रानी विजया ने तो अभी तक किसी संतान को जन्म ही नहीं दिया है। यह संभव ही नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो बालिके। जब तुमने जन्म लिया तो तुम्हारी मृत्यु ने भी जन्म लिया होगा। मुझे मृत्यु के काल में भेजना चाहती हो? मैं तुम्हें मृत्यु के अधीन कर दूंगा। निश्चय ही महाकाल तुम्हारी ही मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। दुर्जय, मैं तुम्हारे प्राणों को हरण करने उपस्थित हुआ हूँ। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण है। मैं ये सपना सत्य नहीं होने दूंगा। मैं जीवित रहना चाहता हूँ। वज्रदंत प्रकट हो। वज्रदंत प्रकट हो। मैं चाहता हूँ कि रानी विजया उस संतान को जन्म ही न दे। तुम एक काम करो, तुम रानी विजया के गर्भ में ही प्रवेश कर जाओ और उसे अंदर ही खत्म कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जाओ यशम, शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ। ऐसा ही होगा राक्षस राज। मैं रानी विजया के गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि रानी विजया अपने संतान को जन्म कैसे देती है। नहीं स्वामी, वज्रदंत को वापस बुला लीजिए। स्वामी, वज्रदंत को वापस। नहीं महारानी, ये संभव नहीं है। जिस तरह मुंह से निकली बात और धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं लौट सकता, उसी प्रकार वज्रदंत जब तक अपना काम न कर ले तब तक वापस नहीं लौट सकता। जब तक वो महारानी विजया के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ को नष्ट ना कर दे, वो नहीं लौटेगा महारानी, वो नहीं लौटेगा। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं। किसी अजन्मे बालक या बालिका को जिसने ना आंखें खोली है ना अभी तक संसार को देखा है, जो निष्पाप है, ऐसे बालक या बालिका की हत्या गर्भ में कर देना महापाप है स्वामी, महापाप है। बंद करो अपना ये उपदेश। अपनी मृत्यु को मारना पाप नहीं पुण्य है, पुण्य। और क्या तुम्हें नहीं पता कि महारानी विजया की कोख से जो संतान जन्म लेगी वो मेरा काल है, काल। और क्या तुम चाहती हो कि मेरी मृत्यु जन्म ले? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे माथे से सुहाग का सिंदूर मिट जाए, कि तुम विधवा हो जाओ, कि तुम सफेद वस्त्रों में आ जाओ? नहीं स्वामी। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र भैरव, जो अभी 7 वर्षों का भी नहीं हुआ, अनाथ हो जाए? नहीं स्वामी, नहीं। तो तुम बार बार क्यों उल्टी सीधी बातें करके हमें हमारे काम में बाधा डालती हो? नहीं स्वामी, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। अर्थात तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा पुत्र और पति सुरक्षित रहे? हाँ महाराज। तो ठीक है, तुम जाओ और अपने पुत्र और पति के लिए प्रार्थना करो कि वज्रदंत जिस काम के लिए गया है वो उस काम में सफल हो जाए। मेरा मतलब है कि महारानी विजया की कोख में प्रवेश करके उसके गर्भ को नष्ट करने में सफल हो जाए। राजा रत्नाकर और रानी विजया, तुम दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे। रानी विजया, तुम्हारी गोद भराई को मैं शोक सभा में बदल दूंगा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे गर्व को नष्ट करने। राक्षस राज, अब मैं रानी विजया के गर्व में प्रवेश करके उसे नष्ट करने जा रहा हूं।
रही हो तुम? हंसने की तो बात है बुद्धू। बुद्धू? बुद्धू नहीं तो क्या, कितनी बार गिर गए? हाँ? कितने कमजोर हो तुम, फूंक मारने से ही उड़ जाते हो। मैं निर्बल नहीं हूँ, तुमने अभी मेरा बल देखा नहीं है। देख लिया तुम्हारा बल, एक तिनके की तरह उड़ जाते हो। ए बालिके, इतनी सी हो लेकिन तुम्हारी जीवा बहुत तेज चलती है। तुम मेरा अपमान कर रही हो। चिल्लाते क्यों हो, निर्बल का कोई मान नहीं होता। तुम मुझे बातों में उलझा रही हो, चलो भागो यहाँ से, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। क्यों बैठूं, ये तो मेरा घर है। तुम्हारा घर? हाँ। परंतु ये तो राजा रत्नाकर का भवन है। अरे बुद्धू, राजा रत्नाकर मेरे पिता और रानी मिर्जा मेरी माता है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि राक्षस राज ने मुझे बताया था कि राजा रत्नाकर की कोई संतान नहीं है और रानी विजया को अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तो फिर तुम कहाँ से आ गई? तुम्हारा जन्म कैसे हो गया? वैसे तो मैं अजन्मा ही हूँ। अर्थात? अर्थात तुम और दुर्जय मूरख हो। ए बालिका, छोटे मुँह से बड़ी बात नहीं करते। तुम मुझे बार बार बालिका बालिका क्यों कहते हो? क्योंकि तुम बालिका ही हो। क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मुझसे युद्ध कर सको? अगर है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो। मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। हाँ? अच्छा, तो तुम मायाविनी हो। मैं माया को भी जानती हूँ और तुम्हारा काल भी हूँ। मैं निर्बल नहीं हूँ। पहले मैं तुम्हें
और तुम्हारी माया को नष्ट करूंगा। उसके बाद रानी विजया के गर्भ को नष्ट कर दूंगा। अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। डरपोक मुझसे डर गए। अब मैं तुम्हारी माया से भ्रमित होने वाला नहीं। अरे बुद्धू, तुम तो पहले से ही भ्रमित हो। अच्छा यही है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? बच्ची होकर अपने आप को शक्तिशाली समझ रही हो? बुद्धू, मैं ही शक्ति हूँ। जो तुम्हारी शक्ति है वो मेरी ही है। तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, इसलिए मैं तुम्हारी जिह्वा को सदा के लिए चुप करा दूंगा। इसका अर्थ है तुम यहाँ से जाओगे नहीं। तुम्हारे आदेश का पालन और मैं करूँ? मैं तो केवल यहाँ अपने स्वामी असुरराज दुर्जय के आदेश का पालन करने आया हूँ। तुम मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई हो। अंतिम बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। यदि तुम इस कक्ष से बाहर नहीं गई तो व्यर्थ जान से हाथ धो बैठोगी। वो तो मैं भी कह रही हूँ कि मेरे घर से चले जाओ। नारायण नारायण। मातेश्वरी, वज्रदंत की यह दुर्दशा आपकी अद्भुत लीला है जिसे देखकर आनंद आ गया। मुनिवर, इस लीला का श्रेय तो वैष्णो देवी को मिलना चाहिए, मुझे नहीं। हाँ मातेश्वरी, आपने अभी वैष्णो देवी का अवतार भी धारण नहीं किया और अभी से आपने वैष्णो देवी के रूप में लीला दिखाना आरंभ कर दिया। नारायण नारायण। धरती की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इसीलिए वैष्णो देवी ने धरती की रक्षा हेतु अपने जन्म से पहले ही लीला दिखाई है। मैया, धर्म की रक्षा के संबंध में एक प्रश्न बड़े दिनों से मन में उठ रहा था, परंतु पूछते हुए संकोच आड़े आ रहा था। देवर्षि, ज्ञान अर्जित करने के संबंध में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, परंतु आप तो महाज्ञानी हैं, सब जानते हैं, फिर भी आपको प्रश्न करने की आवश्यकता पड़ गई। मैया, मेरा ज्ञान भी ये समझने में असमर्थ है कि जब आज के इस युग में धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का और आपने सीता मैया का अवतार लिया है और वो धर्म शत्रु रावण का वध करने निकल पड़े हैं, तो फिर आपको वैष्णो देवी के रूप में एक और अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, परंतु जब उन्होंने श्री राम का मानव अवतार धारण किया तो जो मनुष्य की क्षमता की सीमाएं हैं वो उन पर भी लागू होंगी और वो स्वयं अपने इस अवतार में पुरुषोत्तम पुरुष का उदाहरण छोड़ना चाहते हैं और सीता के रूप में मुझे अपनी सीमा में रहना पड़ रहा है। मानवता की सीमाओं में रहकर उत्तम से उत्तम कार्य कर दिखाना चाहिए। नारायण नारायण।
देवर्षि, आप तो जानते हैं कि ये सतयुग नहीं त्रेता युग है। सतयुग में धर्म वास्तव में धर्म रहता है। इसके चार आधार चार पाद होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष, जो पाप के लोप होने से प्राप्त होता है। परंतु त्रेता युग में मोक्ष का ही लोप हो गया है, क्योंकि पाप बढ़ गए हैं, पापी बढ़ गए हैं और धर्म संकट में आ गया है। भगवान श्री राम तो रावण जैसे पापी राक्षस का वध करने निकल पड़े हैं और धर्म की रक्षा के लिए मुझे भी वैष्णो देवी का अवतार धारण करना पड़ रहा है। देवर्षि, त्रेता युग में धर्म शत्रु इतने प्रबल हो गए हैं कि वो धर्म रक्षक को ही जन्म लेने देना नहीं चाहते। इसलिए मैंने वैष्णो देवी के रूप में अपने जन्म से पहले ही धर्म रक्षा का अपना दायित्व निभाना आरंभ कर दिया है। मैया, आपने धर्म शत्रु दुर्जय को धर्म के मार्ग पर वापस आने के लिए कई संकेत दिए, पर वो हर धर्मी दिखा रहा है। ये उस राक्षस का दुर्भाग्य है। महाराज, अब आप विश्राम कीजिए, अभी तो आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। हमारी तो नींद ही उड़ चुकी है महारानी सुरुचि। दूसरों की नींद उड़ाने वाले दुर्जय की नींद उड़ गई है। सृष्टि का यही नियम है दुर्जय, जैसी करनी वैसी भरनी। निर्भय प्राण, जब हमारा राक्षस वज्र दंत आएगा तब तुम हंसना भूल जाओगे, तुम्हारी सिट्टी गुम हो जाएगी। कहीं तुम स्वयं अपने बारे में तो नहीं कह रहे हो दुर्जय? निर्भय राक्षसराज, मुझे बचाइए राक्षसराज, राक्षसराज मुझे बचाइए, राक्षसराज, राक्षसराज मुझे बचाइए, राक्षसराज, राक्षसराज मुझे बचाइए, राक्षसराज, राक्षसराज मुझे बचाइए, राक्षसराज, राक्षसराज। ये तो वज्रदंत की आवाज है। ये वज्रदंत की ही आवाज है महारानी, वज्रदंत की ही आवाज है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वज्रदंत के भी प्राण संकट में आ गए हैं। नहीं, नहीं, मुझे बचाइए राक्षस राज, मुझे बचाइए राक्षस राज, मुझे बचाइए। वज्रदंत, तुम्हारी ये दशा, मुझे क्षमा कीजिए राक्षस राज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ रहा। किसने की तुम्हारी ये दशा, किसने? रत्नाकर ने? नहीं, एक बालिका ने। बालिका ने नहीं दुर्जय, तुम्हारी मृत्यु ने। इतनी जल्दी भूल गए दुर्जय कि एक कुमारी ही तुम्हारा वध करेगी, एक कुमारी ही तुम्हारा वध करेगी। निर्भय ठीक कह रहा है, वो मृत्यु से भी भयंकर है, परंतु देखने में भोली भाली है। परंतु वो है कौन? वैष्णवी। वैष्णवी? हाँ, आपने तो कहा था कि रत्नाकर की कोई भी पुत्री नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ है वज्रदंत। भ्रम कैसा राक्षस राज, भ्रम कैसा, उसी ने तो मेरी ये दुर्दशा की है। आप भी उससे सावधान रहें राक्षस राज, आपको मेरा अंतिम प्रणाम राक्षस राज, आपको मेरा अंतिम प्रणाम। वज्रदंत, आ,
सिंधु सुता जय विष्णु प्रिया हम पे रखना सदा शीतल लोक की छाया।